Let's take it slow, where you go. तो इन लोगों ने इतनी सोच सोच उठा दिया मुझे कि गाड़ी का रिव्यू देना है, तो चलो शुरू करते हैं गाड़ी के रिव्यू से। और ठंड बहुत हो रही है फिलहाल, तो ये सब ज़्यादातर कार हमारे पास इतने 36 की है, बस एक कार है जो 6363 है, वो दिखाएंगे आपको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे कलेक्शन, ये थार हो गई है, ये स्कॉर्पियो है, ये वैगनार है, और एक कार और है 6363, वो आप लोग वीडियो में देखना। और बाइकें भी हैं तो उनका भी 36 ही 36। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ उसकी चाबी की, वो 6363 कौन सी है देखते हैं। कई बार देखा है कि क्या नाम, बैटरी इसके रिमोट की जो है वो डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो ये पूरी ऑटोमेटिक कार है, वो बिना उसके खुल नहीं पाता है रिमोट के। तो आप हम की से खोल के दिखाएंगे, और इसकी की कहाँ पे है वो हम आपको दिखाएंगे, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये इसको इस साइड में करना पड़ता है और इसको ये निकल जाएगा। ये देख रहे हैं आप की, ये की निकलेगी, ये है की, इससे हम आप खोल के बताएंगे कैसे खोलता है। चलिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप छेद, इसमें जो है एक की लगी, इसके बाद ये बाहर आ जाएगा। ये ऐसे करके निकल आएगा, उसके बाद ये है, इसमें की लग के खुल गई। I know I'm not easy, I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do, and even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it. फ्यूल का है, इसको पुश करने से ये खुल जाएगा, ये डीजल में चल रहा है। आइए फ्रेंड्स, हम आपको अंदर से दिखाते हैं इस कार का, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये है स्टार्ट बटन, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये गियरबॉक्स ऊपर आ जाएगा। ये पार्किंग मोड है, ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइविंग मोड है, ये स्पोर्ट्स मोड है। अगर स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे तो गियर जो है वो यहाँ से पड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं। और फिर इंडिया में जितनी भी कारें होती हैं उसका इंडिकेटर राइट हैंड साइड पर होता है, बट इसका उल्टा है, इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में है इंडिकेटर, और राइट हैंड साइड में वाइपर का है। फ्रेंड्स, ये मोड, इसके ये सारे मोड्स है, ये मल्टीमीडिया साउंड सिस्टम वगैरह वो सब इससे ऑपरेट होता है। ये है क्रूज कंट्रोल, इससे प्लस स्पीड तेज होगी, इससे माइनस होगी, और ये इससे स्टार्ट होगा क्रूज कंट्रोल, इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर आप ब्रेक दबाएंगे तब भी क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। ये एसी बैंड है, और ये जो है इस पीछे का बूट खुलता है, ये है स्टीयरिंग सिस्टम, यहाँ से जो है हम स्टीयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा, आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ऊपर आते हुए ये नीचे गया, ये ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, यहाँ से हम जिस मोड पर रखना चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। जैसे मैंने अभी दो दबाया है, तो ये देखिए अंदर चला गया, ये मेमोरी सेटअप का है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चाइल्ड लॉक हो गया,
यहाँ पे चारों विंडो के एडजस्टेबल लोग हैं और ये साइड मिरर का हो गया। अगर हम ये दोनों साइड मिरर के दबाते हैं तो ये साइड वाले ये लॉक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सनरूफ के बटन है, हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसको दबाने से ये पीछे चला जाएगा। ये देखिए, ये एसी बैंड हो गए, ये आपका चार्जर हो गया और ये यहाँ पे अगर छोटा मोटा कुछ रख सकते हैं तो रखने के लिए, ये आपका जो है हैंड रेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये कर्टन ऑटोमेटिक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव करते हैं। Where am I going now, just falling over dreams? Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come with this light, it's all to my sights. All you know for what it's worth, my life. Hello, all inside, I'll make it up the fight. I'm always too tired to the sky. बहुत दिन से हमने निकाली नहीं थी तो हमने सोचा चलो इसकी टेस्ट ड्राइव ली जाए, तो वो लेके आते हैं क्योंकि इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है। एक बार हो चुकी है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है आप कमेंट करें और फिर लाइक करें और जयगुआर की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।